हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं यहां पर सरस्वती पूजा मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप किसी भी पूजा के कार्यक्रम में कर सकते हो गाइस। आशा करती हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। सो यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर चुकी हूँ और आज मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा रही हूँ परफ्यूम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है परफ्यूम। और वैसे ही बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है और मैं इसीलिए लगा रही हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो गाइस। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र मॉइस्ट सॉफ्ट का। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, फ्लॉलेस दिखे, तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा अपनी स्किन पर। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर, ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, और इसे मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आपके पास जो भी फाउंडेशन हो उसकी हेल्प से आप ये मेकअप लुक कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर। कंसीलर से गाइज जो भी हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, वो हाइड हो जाते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं पहले अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। इसमें आपको आईब्रो पाउडर भी मिल जाता है और जेल आईलाइनर भी मिल जाता है। इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हिलेरी रोहुडा के पैलेट से ये ट्रांजिशन शेड लूँगी, और इसे अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं ये ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड, और इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं इसे इस तरीके से विंग्ड आईलाइनर की तरह लगा लूँगी, और इसे मैं सिर्फ आउटर वी पर लगाऊंगी, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और मैं इसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। पूरी आईलिड पर मैं नहीं लगाऊंगी इस ब्लैक कलर के शेड को, सिर्फ आउटर वी पर लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पर शिमर शेड अप्लाई करूँगी। और कंसीलर लगाने के बाद आपके जो शिमर शेड्स हैं ना, और ज़्यादा उभर कर आते हैं उनके शेड्स, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं आपकी आईज़। तो ये देखिए, जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लगाया था गाइज, वहाँ पर मैं कंसीलर को नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ और हाफ आईलिड पर। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है कंसीलर। नेक्स्ट मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ये शिमर शेड अप्लाई करूँगी, और ये रेड कलर का शेड ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और इस तरीके से मैं रेड शिमर शेड को अप्लाई करूँगी, और इसे भी मैं सिर्फ हाफ आईलिड पर लगाऊंगी, पूरी आईलिड पर नहीं लगाऊंगी, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं ये सेम आई शेडो पैलेट से गोल्डन कलर का शिमर शेड लूँगी और इनर कॉर्नर्स में इसे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। सही, देखिए मैंने लगा लिया है शिमर शेड। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर जेल आईलाइनर स्विस ब्यूटी का। और मैं यहाँ पर स्मॉल सा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का काजल,
और लोअर लैश लाइन पर भी मैं सेम स्टेप्स फॉलो करूंगी। अब मैं यहाँ पर अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। और कंटूरिंग गाइस यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं आती है तो आप मत कीजिएगा, अगर आती है तो आप कर सकते हो। इसे मैं ओवल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस मैंने जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, इन सभी का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जो भी मैंने मेकअप टूल्स इस्तेमाल किए हैं इनका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश, और ये स्विस ब्यूटी का ही ब्लश पैलेट है। और अब मैं लगा लूँगी हाइलाइटर। और यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा अपनी फॉल्स लैशेस लगा ली थी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक खूबसूरत दिखे, आपके लिप्स अच्छे दिखें, तो आप लिप लाइनर ज़रूर लगाइएगा। इससे भी आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं और आपकी लिपस्टिक भी फैलती नहीं है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ADS की लिक्विड लिपस्टिक, और ये मजेंटा कलर का शेड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की ये मेकअप लुक कैसी लगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। और गाइज मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हाँ गाइज थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेयर ऑयलिंग वाली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और बहुत जल्द मैं एक और हिना हेयर पैक लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। और गाइज मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।